आनंद आ रहा है? हाँ जी। क्या सीखा अभी तक? बढ़िया। बोलो बढ़िया। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं मुझे क्यों ये सामान नहीं मिला आज? तो मेरे को क्यों ये चीज नहीं दिया? देखो बढ़िया बोलती है आपकी मनोस्थिति, घटनाएं घटेगी, परिस्थिति आएगी, अंधेरा होगा, लेकिन आपको दिया जलाना है। कौन सी दिया? जा रहे थे मधुबन, ट्रेन चली गई 5 मिनट पहले, लेन मिल गया। हाथ उठा के बोलो बढ़िया बढ़िया। तो संकल्प को सफल बनाने के लिए सबसे पहले हमें सत्युग में जाना है। कहाँ जाना है? संकल्प को सफल बनाने के लिए हमें सत्युग में जाना है। सत्युग में कौन कौन जाना चाहेंगे? अच्छा सत्युग जाके करेंगे क्या? नाचेंगे है ना, गाएंगे और क्या करेंगे? घूमेंगे फिरेंगे और क्या करेंगे? पुष्प विमान में उड़ेंगे। अच्छा कौन कौन चाहता है कि मेरे पास पुष्पक विमान हो? नहीं जी आप तो यहाँ पैदल करेंगे। पुष्पक विमान किसको चाहिए? हाथ उठा कर रखो, ये ट्रेनिंग वाली भट्टी है। पर जब बैठे तो उठा दीदी बहुत अच्छा, सभी सभी को पुष्पक विमान। अच्छा पुष्पक विमान कैसे, आप चलाएंगे या ड्राइवर रखेंगे? कैसे चलाओगे? अच्छा उस संकल्प से पुष्प विमान चलानी है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? हो चुकी है, हो रही है, होने वाली है, ऐसे हो रही कब तक करते रहोगे? जब तक शरीर ना छोड़े। आपके पास एक सुंदर गाड़ी आ गई, क्या आ गई? प्लेन आ गया, क्या आ गया? हेलीकॉप्टर आ गया, क्या आ गया? वो स्वयं आपको चलानी है तो उसकी ट्रेनिंग आपको लेनी है, किसी दूसरे को लेनी है? ट्रेनिंग आपने ले लिया, चला के दिखाओगे या नहीं? तभी गवर्नमेंट लाइसेंस देगा, फिर आप चला सकते हो। हाँ या ना? तो बाबा भी कहता है बच्चे अपने संकल्प को सफल करो, शक्तिशाली बनाओ, दिव्य बनाओ, कि आपके संकल्प से आने वाली तूफान रुक जाए, बारिश थम जाए, तड़पती आत्माएं खुशी में झूमने लगे, जो दर्द में चिक्कार कर रहे हैं, कर्मों में भटक रहे हैं, सुख शांति के लिए राहत ठिकाना मिल जाए, ऐसा आपका संकल्प होना चाहिए। जो आप पुष्प विमान चलाने वाले हो संकल्प से, वो संकल्प की डेमो दिखाने की ये सब तरीका है। भूकंप होगी, लाखों करोड़ों आत्माएं शरीर छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे समय पर आपके संकल्प से सबको शांति मिल जाए। कर पाओगे? बाबा मेरा घर थोड़ा ठीक कर देना, मेरा दुकान ठीक कर देना, मेरे बच्चों को ठीक कर देना, मेरा मम्मी चाचा पापा नाना दादा दादी काका पापा पापी सबको ठीक कर देना, उसके बाद तो मैं ज्ञान में चलूंगा चलूंगी, बाबा शक्ति भर देना। हर कार्य में हम बाबा को यूज करते हैं, करना है, लेकिन कैसे? वो कहते ना खाना कैसे खाना है, किस तरीके से खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तब शरीर स्वस्थ रहेगा। मन को कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। भैया उठ गया, जो जल्दी अब जल्दी फटा ये समझ लो कौन है मेरा माने, ठीक है? ताली बजा दो, कोई बात
अब मेरा मन शक्तिशाली है, ठीक है, अब मैं उसको जो ऑर्डर करूंगा वो करेगा, है कि नहीं? क्योंकि सत्युग में मन तो पहले ऑर्डर करेगा ना, कि बादल बारिश होगा तो बरसेगा, पुष्प विमान चले तो चलेगा, हाँ या ना? तो समझ लो मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अब मैं जो करूँगा फटाफट करना, ठीक है? नीचे उतर यहाँ जाओ, अंदर जाओ, इधर कुछ कर नहीं रहा, बैठ जाओ, खड़े जाओ, जाओ इधर बोलो, जाओ बैठो, ताली बजाओ। अगर मैं एक सेकंड में उसको दस संकल्प दे दिया, कुछ कर पाएगा? कुछ कर नहीं पाया, स्थिर था, हल कंफ्यूज। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं कौन हूं? मास्टर सर्वशक्ति, मैं मास्टर सर्वशक्ति हूं। बाबा झूठ तो नहीं बोलता, बाबा कहते हैं तुम हो, लेकिन कहां गई शक्ति? आपके संकल्प से क्यों नहीं बारिश हो रही है, क्यों नहीं बादल थम रहे हैं, क्यों नहीं सूरज की गर्मी कम हो रही है? हो रही है, कभी कभी हो रही है, लेकिन निरंतर सिद्धि स्वरूप क्यों नहीं हो रहा है? देखो, इस भाई को अगर मैं कहता, ये मेरा मन था, मैं उसको कहता भाई बैठ जाओ, एक ही संकल्प बोलता तो बैठता या नहीं? मैंने उसको दस संकल्प दिया, उठ जाओ, उधर जंप लगाओ, नीचे उतर, इधर आओ, उधर उधर। सत्युग में जब हम पुष्प विमान उड़ाएंगे उसमें दस संकल्प करेंगे या एक संकल्प करेंगे? पुष्प विमान उड़ तो उड़ेगा, तो